प्रकाश गौर है, मैं मध्य प्रदेश भोपाल ज़िले से हूँ और ये मेरा बेटा पारस गौर। ये हम भोपाल में काफ़ी समय से रह रहे हैं और मैं अपने बेटे को कुछ ऐसी शिक्षा देना चाह रहा था जहाँ पे संस्कार हो, नैतिक मूल्य हो और अच्छे शास्त्रों का ज्ञान हो, सामाजिकता हो, राष्ट्रीयता हो, क्योंकि काफ़ी अच्छे स्कूल हैं जहाँ पर अच्छी शिक्षाएँ हैं, मगर मुझे यहाँ अच्छे संस्कार मिले बच्चे को देखने को। और यहाँ पे कहने को हॉस्टल जरूर है, बट मैं पहले काफ़ी इंटीरियर था कि मैं डालूँ कि नहीं डालूँ, क्योंकि स्कूल तो काफ़ी अच्छा था, नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं, राष्ट्रीयता, सामाजिकता, अच्छे संस्कार और जो हमारा सनातन धर्म जिस पर आधारित है वो सब चीज़ें यहाँ सिखाई जाती हैं। फिर मैंने हिम्मत करी, थोड़ा सा यहाँ देखा, सब कुछ बात की तो सारा मैनेजमेंट यहाँ का बहुत अच्छा था, तो मैंने रिस्क लेके बच्चे को डाला और 6th में मैंने अपने बच्चे को डाला था इस स्कूल में और मुझे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट लगा। मुझे किसी भी चीज़ का तनाव चिंता नहीं हुई कभी भी आज तक, जैसे हम लोग शायद इतना अच्छे से घर में भी नहीं रख पाते जितना यहाँ बच्चे को अच्छे से रख रखाव होता है। अच्छा भोजन है, अच्छा माहौल है, अच्छा एनवायरनमेंट है और बहुत सारे यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं जो दूसरे स्कूल में मुझे नहीं मिली। और मैं चूँकि नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा सिर्फ शिक्षा लेके धन संपदा कमाए, मैं चाहता था कि वो ऐसा बड़ा होकर बने जो राष्ट्र निर्माण में काम आए, अपने समाज को अच्छा इम्प्रूव कर सके, वो लक्षण उसमें आए जो मुझे यहाँ पूरी तरह से दिखते हैं। पारस कौर, मैं जब स्कूल में आए थे हम लोग विज़िट करें, काफ़ी स्कूलों में विज़िट करा था तो काफ़ी अच्छा लगा स्कूल में विज़िट करके, पूरा स्कूल विज़िट किया। और जब मैं नर्वस थी जब स्कूल हम आए थे कि हॉस्टल में डाल रहे हैं, घर से अलग है, हमसे अलग है, उसके बाद काफ़ी अच्छा लगा स्कूल में विज़िट करके, रहा बिल्कुल घर जैसा माहौल मिल रहा है उसको और काफ़ी डिसिप्लिन में भी है वो और सारे संस्कार भी आ रहे हैं इसके अंदर, सीखते जा रहा है धीरे धीरे।